दौराने शो एंकर पर्सन आफताब इकबाल ने एक मजाहिया क्लिप में माले गनीमत ढूंढने वाले एक्ट्रेस के बारे में बात करते हुए इंतहाई गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल कर डाले। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उहद में भी ऐसा ही किया गया था कि सहाबा जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर मामूर किया था कि यहाँ से हिलना नहीं है, वो दूसरे लोगों को माले गनीमत लूटता देख कर वहाँ से माले गनीमत लूटने के लिए चले गए, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, हत्ता कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी भी हो गए थे। इस शख्स ने जरा बराबर भी ख्याल नहीं किया कि वो ये बात किन हस्तियों के बारे में कर रहा है और इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। बिल्कुल साफ अल्फाज में उहद का हाल बयान कर दिया और कहा, ये लोग भी उनकी तरह हैं जिन्होंने रसूल की बात नहीं मानी थी और माल गनीमत लूटने के लिए भाग पड़े थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हम मुसलमानों की पस्ती की वजह बता दी कि कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के बावजूद वो लोग अपनी जगह छोड़कर माल गनीमत के पीछे लग गए थे और इस हद तक मुसलमानों का नुकसान हुआ कि नबी पाक इंतहाई गुस्से हुए और सख्त लहजा तक इस्तेमाल करना पड़ा। इस जुमले के दो पहलू हैं, चाहे तो आप इसको हक बात कहने से गुस्ताख सहाबा कहो या फिर एक इंतहाई अहम और सच्चे नुक्ते की तरफ इशारा कि जिसकी वजह से हम मुसलमान पस्ती का शिकार होते हैं और नुकसान उठाते आए हैं। नाजरीन अपनी कीमती राय से जरूर कमेंट में आगाह कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।